आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। किसी भी दुर्जन को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा। शहीद हर्ष चौधरी को कैंडल मार्च निकालने की श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही जजवा फाउंडेशन एवं अखिल भारतीय संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से शहीद हर्ष चौधरी के लिए एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी अगुवाई अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा ने की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शहीद हर्षित चौधरी के लिए 50 लाख की मदद, एक असाधारण पेंशन, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा, अमरोहा में किसी भी दुर्जन को बख्शा नहीं जाएगा एवं किसी भी सज्जन को परेशान नहीं किया जाएगा। मैं अमरोहा की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अमरोहा में किसी भी प्रकार का अपराध एवं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको समाप्त करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। अमरोहा के चेयरपर्सन शशि जैन ने कहा कि मैं अमरोहा नगरवासियों की ओर से शहीद हर्ष चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूं कि परमात्मा उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस अवसर पर भाजपा नेता अतुल जैन, एसडीएम सुखबीर सिंह, कोतवाली प्रभारी नवाब सिंह, इकबाल खान अमरोही, राम रूल कमेटी के अध्यक्ष कपिल शर्मा एवं परशुराम वाहिनी के अध्यक्ष राज शर्मा सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। निकाला गया, उसका क्या मेन मकसद आज? हर्ष चौधरी जो हमारे अमरोहा का बेटा था, उसने अपने सीने पे गोली खाई, उसी की आत्मा की शांति के लिए ये कैंडल मार्च आज रखा गया था, जिसमें शहर के नागरिकों के साथ पुलिस कप्तान महोदय, एसडीएम सदर, चेयरमैन साहिबा अमरोहा नगर पालिका शशि जैन जी एवं सभी गणमान्य लोग, सवसत साथी, व्यापारी संगठन एकत्र रहे और उसकी आत्मा को, हर्ष चौधरी की आत्मा को